हेलो फ्रेंड्स, आज किस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यदि आपका एक यूट्यूब चैनल है एंड दोस्तों आप यूट्यूब चैनल के अलावा मतलब यूट्यूब पर काम करने के अलावा कोई दूसरा काम भी करना चाहते हैं या फिर करते ही हैं और आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, आप लोग सोचते हैं कि कोई एक मैनेजर रख लूँ यानी कि एक वर्कर रख लूँ जो कि दोस्तों आपके वीडियो अपलोड करे, आपकी वीडियो की एडिटिंग करे, आपके वीडियो का जो टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग है थंबनेल है सब कुछ दोस्तों वही बनाएगा, सिर्फ आपको वीडियो शूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपने यूट्यूब चैनल को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर कैसे रखना है, क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और दोस्तों क्या प्रोसेस होती है वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर देखना, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड आपको करना क्या है, सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर जाना है एंड क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद दोस्तों मेरा जो चैनल है, जिस चैनल को मुझे मतलब कि जिस चैनल पर मुझे मैनेजर रखने की ज़रूरत है वही चैनल को मैंने खोल रखा है ऑलरेडी। और दोस्तों यदि आपने इसे डेस्कटॉप साइट पर नहीं खोला तो डेस्कटॉप साइट पर खोल लें, मेरा ऑलरेडी खोला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं जाता हूँ अपने चैनल के लोगों पर और चैनल के लोगों पर जाने के बाद सिंपली जाता हूँ सेटिंग पर और सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड और रिमूव मैनेजर, ठीक है ना। अब दोस्तों ये कब आपको देखने को मिलेगा, जब आपका चैनल ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट होगा। यदि आपका चैनल ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट नहीं है तो उसे आपको एक बार ब्रांड अकाउंट बनाना होगा। और दोस्तों यदि आपसे नहीं आता है कि कैसे अपने चैनल को ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं तो उसका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उसका वीडियो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ ऐड और रिमूव मैनेजर पर, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको जो है इस तरह से कुछ देखने को ऑप्शन मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट अकाउंट, और यहाँ पर मैनेज परमिशन का है। तो यहाँ पर कुछ लिखा भी है छोटे अक्षरों में, चेंज रोल्स, इनवाइट एंड रिमूव यूजर, ओके। दोस्तों यहीं पर सब कुछ खेल है अपना, तो हम चलते हैं मैनेज परमिशन पर और यहाँ जो है इस तरह से कुछ पेज ओपन होता है। अब दोस्तों एक बार इसे आपको वेरीफाई करना होगा कि मतलब जो ये अकाउंट है तो आपका ही है कि किसी और का, तो यदि आपका है तो वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिंपली अपना पासवर्ड डालना है और दोबारा से यहाँ लॉगिन करना। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल के फिर आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपना पासवर्ड डाल लिया है और अब मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। फ्रेंड्स, यदि आपके जीमेल अकाउंट पर टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन है तो आपको टू स्टेप वेरीफिकेशन को प्रोसेस को पूरा करने के लिए आपको जो कोड आया होगा तो इस कोड को यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ टू स्टेप वेरिफिकेशन कोड। फ्रेंड्स, यदि आपसे नहीं आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला कोड ढूंढते तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि जो आपका जीमेल एप्लीकेशन होता है तो आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन पर अपने ही अकाउंट पर आना है, वो उसी अकाउंट पर आना दोस्तों जिस अकाउंट से, यानी कि जिस अकाउंट से आपने यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आपको सिक्योरिटी पर आना है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर, और सबसे नीचे आना है यहाँ। और यहाँ नीचे आने के बाद दोस्तों आपको एक ये ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी कोड वाला, ओके, तो आपको इस पर ओके करना है। तो फ्रेंड्स, जब आपको यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड लेने हैं यहाँ से, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ऊपर ये शो हो रहा है तो आप वही जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिस जीमेल अकाउंट से आपका यूट्यूब चैनल बना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर वही जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, और दोस्तों उसके लिए जो सिक्योरिटी कोड है ये अलग है, अब इनको मैं डाल के ट्राई करूँगा वहाँ पर। नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद चेक करते हैं। और दोस्तों हमारा जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम फिर से वापस इस पेज पर आ जाते हैं। अब आपको दोबारा से मैनेज परमिशन पर ओके करना है, और दोस्तों मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैनेज परमिशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्राइमरी ओनर है तो यहाँ पर एक और जीमेल अकाउंट जोड़ना है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उस जीमेल अकाउंट को, यहाँ पर आपको यहाँ पर
पेस्ट करना, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको इस जीमेल को पहले से ले लेना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ पर डायरेक्ट पेस्ट कर देना है। तो मैं जाता हूँ उस जीमेल को लेने। फ्रेंड्स ये मेरे दोस्त के जीमेल अकाउंट है, यानी कि ईमेल आईडी है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे यहाँ से, ओके। और इसे कॉपी करने के बाद वहाँ पेस्ट करना पड़ेगा मुझे अभी, तो जाता हूँ वहीं में। और यहाँ आने के बाद मुझे इस जीमेल अकाउंट को जो है पेस्ट करना है, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। और सर दोस्तों इसका जो पेज छोटा नहीं हो रहा, तो यहाँ करने के बाद यदि आप किसी और को ही बनाना चाहते हैं, मतलब कि एक और ईमेल अकाउंट जोड़ना चाहते हैं, तो आप यहाँ से मल्टीपल अकाउंट जोड़ सकते हैं, यानी कि कई सारे ईमेल अकाउंट जोड़ सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर चूज अ रोल कर देता हूँ। तो चूज अ रोल में दोस्तों क्या बेनिफिट है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ ऑप्शन आया हुआ है ओनर, मैनेजर और कम्युनिकेशन मैनेजर। दोस्तों ओनर का मतलब होता है ओनर, आप लोग जानते हैं, और मैनेजर का मतलब होता है मैनेजर, यानी कि जो ओनर से नीचे होता है दूसरे नंबर का मैनेजर। यानी कि हम सीधा साधा एग्जांपल लें तो एक सरपंच, और सरपंच के बाद दूसरा होता है सेक्रेटरी, यानी कि सरपंच का आधा काम सेक्रेटरी करता है। तो बस यही होता है आपका मैनेजर। और जो कम्युनिकेशन मैनेजर होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी के लिए मैं इसे मैनेजर कर देता हूँ। और कम्युनिकेशन मैनेजर का मतलब ही दोस्तों मैनेजर ही होता है वो, जो कि मैनेजर से भी थोड़ा सा डाउन होता है बस, और थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाकी बाद में से आप चेंज कर सकते हैं यहीं आकर के वापस। तो मैनेजर का रोल दे देता हूँ। और यहाँ पर हमने इनवाइट कर दिया दोस्तों इस ईमेल अकाउंट पर। अब एक SMS जाएगी जो कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ओके। फिलहाल हम इसे यहां से डन कर देते हैं। और डन करने के बाद फ्रेंड्स उस ईमेल अकाउंट पर, जिस ईमेल अकाउंट को अभी आपने यहां पर ऐड किया है, लिंक किया है, तो उस ईमेल अकाउंट पर यहां पर एक्सेप्ट इनविटेशन का कुछ मैसेज आती है, तो आपको यहां पर एक्सेप्ट इनविटेशन पर ओके करना है। फिर इसे क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करना है, एंड क्रोम ब्राउज़र पर ओपन करने के बाद आपको दोबारा से एक बार इसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे क्रोम ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ से क्रोम ब्राउज़र है, और जब आप यहाँ आएंगे क्रोम ब्राउज़र के पेज में, तो आपको एक बार फिर से यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। और एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों ये मेरी ईमेल है, यानी कि जो ओनर है इस चैनल का, तो उस ओनर के ईमेल अकाउंट पर ये मैसेज आया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि अब से AVI अभी सिंह और इस चैनल पर जो है मैनेजर है, मतलब कि यहाँ पर आपको कंफर्म करने के लिए आया हुआ है, बताने के लिए कि जिसे आपने मैनेजर बनाया हुआ है तो अब वो मैनेजर बन चुका है, अब वो आपके चैनल पर काम कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से ईमेल आई हुई है।